OF2 inclined at an angle theta. Right. Now, what is the question? Question ये बोल रहा है कि एक incident ray आ रही है और वो कुछ इस प्रकार से आ रही है कि it is traveling parallel to the mirror OM1. Right? इस ray को AB बोल देता हूं मैं, AB. तो ये जो AB ray incident हो रही है OM2 पे, basically this is parallel to the mirror OM1. ये दिया हुआ है. तो मैं यहां पे लिख देता हूं AB parallel to OM1. This is given to us. Right? The next thing is, यहां पे क्या होगा? हम एक normal draw कर देते हैं. ये N हो. अब यहां पे angle of incidence equal to angle of reflection से ये suffer करेगी. ठीक है? यहां पे again हम बना देते हैं normal. यहां पे N dash लिख देते हैं. Then again ये एक reflection suffer करेगी. लेकिन अब जब ये reflect होगी तो ये इस प्रकार से जाएगी कि it will be traveling parallel, ये वाली जो ray है A B C D, यानी कि CD ray. ठीक है? CD ray is parallel to mirror OM2. ये given. तो CD is parallel to OM2. Right? और हमें theta angle between the two inclined mirrors दिया हुआ है. ये तीन चीज है हमारे पास. ठीक है? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं. OM2, OM1 mirrors हैं, which are inclined at an angle theta. और जो given चीजें हैं, problem जो है हमारी, वो given, वो ये है कि इंसिडेंट रे आ रही है विच इज पैरेलल टू ओ एम वन, और फिर आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इट फॉल्स ऑन द मिरर ओ एम वन एंड देन इट सफर्स अगेन सेकेंड रिफ्लेक्शन, और जब ये रे सीडी जा रही है देन इट इज दिस रे इज पैरेलल टू द मिरर ओ एम टू. क्लियर हो गई बात अच्छी तरह? नाउ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, फर्स्ट फाइंड एंगल थीटा, सेकेंड calculate the total deviation produced in this system. Clear? ये हम लोगों ने calculate करना है. चलो शुरू करते हैं फिर. ठीक है? कभी भी देखो, ray optics, geometrical optics में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा geometry यूज होती है, तो हम लोग उलझ जाते हैं कभी कभी करने में. थोड़ा सा पीछे हटके हमें देखना चाहिए क्या चीज यूज कर सकते हैं. ठीक है? सॉल्यूशन देखते हैं. देखो अब क्या कंसिडर करो कि जो दिया हुआ है एबी इज पैरेलल टू ओएम वन, एबी पैरेलल टू ओएम वन, एंड ट्रांसवर्सल किसको ले रहे हैं? ये एबी. ठीक है? एबी इज पैरेलल टू ओएम वन एंड टेक ओएम टू एंड टेक ओएम टू is transversal. ठीक है? बच्चे इधर कहीं भटकना चालू कर देते हैं, बल्कि बड़ी सिंपल अप्रोच होती है कई चीजों में. ठीक है? एंड OM2 is transversal. तो देखो जरा, अगर दिस रे, ये मिरर इज पैरेलल टू दिस रे, ठीक है, एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, देन अगर ये एंगल थीटा है, देन व्हाट विल बी दिस एंगल? दिस विल बी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. राइट? तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. सिमिलरली, ठीक है, अगर यहां पे देखें तो CD इज पैरेलल टू OM2 एंड इस केस में टेक OM1 एज ट्रांसवर्सल. ठीक है? तो देयरफॉर अब देखो जरा, ये रे इससे पैरेलल है, अगर ये एंगल थीटा है तो व्हाट विल बी दिस एंगल? दिस विल बी थीटा. क्लियर हो गई बात अच्छी तरह से? तो इतना हमको मिल गया. अब शुरू करते हैं. देखो, अगर ये थीटा है तो व्हाट विल बी दिस एंगल? अंडरस्टूड है? इट इज थीटा. राइट? सिमिलरली, अगर ये भी थीटा है तो व्हाट विल बी दिस एंगल? थीटा होगा. क्लियर हो गई बात अच्छे? कोई बच्चे अगर समझना चाहते हैं कैसे हो रहा है, तो बिकॉज ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. देखो मैंने काट के जो दिखाया है, ये दो, दिस टू एंगल आर इक्वल. अब इस पूरे का सम कितना है बेटा? ये एंगल 90 डिग्री है. 90 डिग्री इज इक्वल टू
अगर आप समझना चाहते हो, अगर ये x है मान लो, तो x प्लस थीटा, और मान लो कि अगर ये x है, ठीक है, हमें नहीं मालूम कि ये क्या है, तो इसको थीटा डैश कर देता हूं, ठीक है, हमें अगर प्रूफ कर पता लगाना है कि ये एंगल कितना होगा, अब ये पता है थीटा है, ये पता लगाना है थीटा डैश मान लेते हैं, तो 90 इज इक्वल टू एक्स प्लस थीटा डैश, यहां पे लिखेंगे, ये भी 90 डिग्री है पूरा का पूरा, ये देखो जरा ये वाला पूरा है 90 डिग्री, तो यहां पे 90 डिग्री विल बी इक्वल टू एक्स प्लस थीटा, तो अब ये दोनों का LHS बराबर है, तो नेचुरली देखो x प्लस थीटा डैश और x प्लस थीटा दोनों का सम 90 डिग्री है बराबर, तो थीटा मस्ट बी इक्वल टू थीटा डैश, ठीक है ना। ये जिनको डाउट आया हो किसी को, तो फिर उनको बताने के लिए इसलिए बता दिया है, क्लियर होगी बात अच्छी तरह से। आ जाओ अब यहां पे देखो जरा, सो दिस इज एंगल थीटा, तो अब टेक ट्राइंगल बी ओ सी, तो इन ट्राइंगल बी ओ सी थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, थ्री थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड इन अ ट्राइंगल तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो वी कैलकुलेटेड द एंगल थीटा, इसकी वैल्यू इज गिवन टू बी 60 डिग्री, ठीक है ना, गिवन नहीं है, फाउंड टू बी 60 डिग्री। आ जाओ टोटल डेविएशन अब पता लगाना है, राइट। अब टोटल डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग को पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने अभी अभी जस्ट पीछे पढ़ा कि अगर ऐसे इंक्लाइन मिरर्स हो तो टोटल डेविएशन इज गिवन बाय 360 माइनस 2 थीटा, तो देयरफॉर हम यहां पे हम लिखेंगे, और बिकॉज ये एक ही डायरेक्शन में हो रहा है बेटा, इसीलिए हम उस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है, इधर मैं आपको बता देता हूं, चलो डेविएशन के बारे में भी समझ लेते हैं, ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे आ रही है, कुछ नहीं होता तो सीधी चली जाती, और नो दिस इज द डिविएशन डेल्टा वन, और ये रिफ्लेक्ट होके जो जा रही है अब ये इंसिडेंट का काम करेगी, अगर कुछ नहीं होता तो ये सीधी चली जाती, लेकिन अब ऐसे जा रही है तो ये पूरा एंगल बेटा डेल्टा टू है, ठीक है, ये भी देखो काउंटर क्लॉकवाइज, ये भी काउंटर क्लॉकवाइज, तो दोनों इंडिविजुअली एड हो जाएंगे सेम साइन के साथ, और देयरफॉर टोटल डिविएशन विल बी, हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, 360 डिग्री माइनस 2 टाइम्स द एंगल, एंड ये है 360 माइनस 120 एंड दिस इज 240 डिग्री, सो दिस इज द टोटल डिविएशन प्रोड्यूस्ड इन द रे इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम से हमें और अच्छा कुछ समझने को मिलेगा, इसको आप पॉज करके आप बैक करके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, मैं बड़े बड़े डायग्राम्स इसलिए बना रहा हूं ताकि एंगल्स की क्लैरिटी अच्छे से हो जाए, एंगल्स बहुत समझने जरूरी होते हैं, एग्जैक्ट समझ में आ जाए चीज तो क्लियर हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल टू, चलो शुरू करते हैं। इस एग्जाम्पल टू में हमें क्या दिया हुआ है, सपोज करो अगेन बड़ा डायग्राम बना लेते हैं, वी हैव टू मिरर्स, ठीक है, दिस इज वन मिरर ओ एम वन, दिस इज अनदर मिरर ओ एम टू, राइट, क्लियर होगी बात अच्छी तरह से, ठीक है। अब यहां पे देखो क्वेश्चन क्या है कि एक लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है ऑन द मिरर ओ एम टू, लेट सपोज दिस बी द नॉर्मल, इसको एन लिख देता हूं मैं, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल 50 डिग्री, ठीक, एक ये चीज दी हुई है, और दिया हुआ है द एंगल, ये मिरर एंगल बिटवीन द टू मिरर्स इज 30 डिग्री, एक ये दिया हुआ है, एंगल बिटवीन द टू मिरर्स इज 30 डिग्री, और एक ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला हुआ है इन्होंने कि फाइंड द टोटल डेविएशन, चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि फाइंड द टोटल डेविएशन आफ्टर थ्री सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, ठीक है, डेल्टा निकालना बेटा टोटल क्वेश्चन मार्क, बट आफ्टर थ्री रिफ्लेक्शंस इसमें पूछ रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, और हम बारीकी से इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा थ्री रिफ्लेक्शंस, तो बच्चे
क्या करते हैं, जैसे हमने अभी पिछले डायग्राम्स में बनाते आए हैं डायग्राम, तो बच्चा यूजली क्या करता है, उसकी अप्रोच किस प्रकार से होती है कि ये इंसिडेंट रे आ रही है और अब वो क्या करता है इसी प्रकार से, क्योंकि हमने ऐसा ही सीखा है कि ऐसे आ रही है इधर डाल दो, ठीक है ठीक है, हम डाल देते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, रॉन्ग समझेंगे, ठीक है, रॉन्ग इसलिए समझेंगे ताकि हमें राइट के बारे में ज्यादा बारीकी से समझ में आए, ठीक है। तो पहले हम रॉन्ग समझेंगे, देखना जरा, और उससे हमें बहुत अच्छा एक समझने को मिलेगा चीज, और फिर ये लाइट रे ऐसे जा रही है, ठीक है। देखो ये लाइट रे ऐसे जा रही है, अब एक रिफ्लेक्शन तो हो गया, दूसरा रिफ्लेक्शन हो गया, लेकिन लाइट रे अब ऐसे जा रही है तो थर्ड रिफ्लेक्शन कहां पे होगा। लेकिन ये चाहते हैं हमसे कि डेल्टा पता लगाएं हम आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये डायग्राम ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, तो गलती कहां पे हुई है, कैसे हुई है समझने में, मैथमेटिकली इस चीज को पता लगाते हैं, ठीक है। देखो जरा ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है, ध्यान देना ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो बेटा 90 माइनस 50 तो ये एंगल कितना बनेगा, दिस विल बी 40 डिग्री। अच्छा ये 40, अब इस ट्राइंगल को देखो, ठीक है, ये 40 डिग्री, ये 30 डिग्री, 70 हो गया, तो दिस विल बी 110 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल टोटल कितना बेटा 90 डिग्री। तो देखो 110 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री एंड विच इज रॉन्ग, इम्पॉसिबल, क्लियर है। तो हमने एक चीज समझ में आती है कि हमने ये जो डायग्राम बनाया ये गलत है, ठीक है, क्लियर होगी बात अच्छी तरह से। तो अब करेक्ट क्या होगा, करेक्ट क्या होगा कि ये रे ऐसे आने के बजाय ऐसे जाएंगी और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक, और यहां पे थर्ड रिफ्लेक्शन सफर करेगी और ऐसे कैसे जाएगी, क्लियर होगी बात अच्छी तरह। तो इसीलिए ये क्वेश्चन है टोटल डेल्टा पता लगाओ आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। तो अब हम इस डायग्राम को ठीक करते हैं और फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कितना अच्छा लगता है कि हम लोग चीजों को बारीकी से थोड़ा समझें, है तो ये ज्योमेट्री, देखो मैथ खुद ही, अगर हम रॉन्ग जा रहे होंगे तो मैथ खुद ही हमें बता देता है करके कि हाँ भाई रॉन्ग जा रहे हो, ठीक है, तो बड़ी अच्छी चीज। अब देखो इसको लेंगे ऐसे, ठीक है, यहां पे लाइट रे फॉल हो रही है, अब मैं बड़ा डायग्राम बनाया हूं ताकि हम अच्छी तरह से विजुलाइज कर सके, दिस इज द लाइट रे, और यहां पे देखो ये छोटा सा एंगल बन रहा है, ये नॉर्मल मैंने बना दी, ठीक है, ये एन है तो मैं इसको एन प्राइम लिख देता हूं, एंगल छोटा बन रहा है थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान दे। अब लाइट रे इसी छोटे एंगल से, ये जो छोटा एंगल बन रहा है इंसिडेंट, तो इसी छोटे एंगल से ये चली जाएगी, इसमें रिफ्लेक्ट होगी, देखो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, यहां पे गई और फिर यहां पे नॉर्मल बना देते हैं हम लोग एक और एन डबल प्राइम, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट को फॉलो करती हुई लाइट रे ऐसे चली जाएगी, जरूरी नहीं पैरेलल जाएगी, कैसे भी जा सकती है, मैं दिखा देता हूं इसको, कैसे भी जा सकती है, ये मान लो ये एंगल है यहां का इंसिडेंस, तो ये ऐसे जा रही है कुछ, राइट, जरूरी नहीं कि इससे पैरेलल जाए, कैसे भी जा सकती है, ठीक, तो दिस इज ये केस, ठीक होगी। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें टोटल डेविएशन पता लगाना है, तो तरीका क्या है, तरीका यही है कि एक रिफ्लेक्शन में हमें आता है, ठीक है, डेविएशन निकालना, एंड दैट इज गिवन बाय 180 डिग्री माइनस 2i, तो यदि अगर हम हर स्टेज पे आई पता लगाने में कामयाब हो जाएं, इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और हम साइन का भी ख्याल रख लेंगे, सारे सेट कर देंगे कि ठीक है क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो, ऐसा कुछ भी एक सेट कर देंगे, एंड देन वी कैन कैलकुलेट द टोटल डेविएशन। तो आ जाकर कैलकुलेट करें, तो देयरफॉर दिस इज 50 डिग्री, ठीक है, टोटल बेटा 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 40 डिग्री। तो देखो जरा अब ये वाला ट्राइंगल ले लेना, एक और बार बता दे रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल, राइट, तो इस ट्राइंगल में ये 40 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 40 प्लस 30 70 हो गया, तो ये टोटल एंगल, ये वाला बड़ा ट्राइंगल है ये वाला, तो ये टोटल एंगल इज 110 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान देंगे जरा कि ये जो जा रही है
ये नॉर्मल ध्यान दो, ठीक है ना। तो ये एंगल कितना बेटा 90 डिग्री है, ये टोटल एंगल 110 है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो बेटा ये एंगल छोटा सा, मैं डबल लाइन से दिखा रहा हूं इसको, ये जो छोटा सा एंगल है जो इस इंसिडेंट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो ये एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा 110 माइनस 90, तो ये कितना आएगा 20 डिग्री, ठीक है। ये भी 20 हो जाएगा बेटा, ये रिफ्लेक्ट है, ठीक है। ये गई लाइट रे, इधर फॉल कर रही है। अब यहां यहां का इंसिडेंस पता है, यहां का भी इंसिडेंस पता लग गया एंगल, अब इधर का पता लगाते हैं, ठीक है। कैसे पता लगेगा, जब ध्यान दो, देखो यहां पे यदि हम बात करें, ये टोटल एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री है। ये देखो नॉर्मल से जो मैं एंगल दिखा रहा हूं, ये देखो 90 डिग्री है, और ये छोटा सा एंगल कितना है 20 डिग्री है, ठीक है। तो 90 माइनस 20 कर देंगे तो क्या बेटा ये एंगल नहीं मिल जाएगा, मैं इसको डबल लाइन से दिखा देता हूं, ये जो यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, ये डबल लाइन से जो दिखा रहा, ये डबल लाइन वाला एंगल बेटा कितना हो गया 90 माइनस 20 70 डिग्री, ठीक है। अब जरा देखो इस ट्राइंगल को ले लो, ये वाला ट्राइंगल जो है, ठीक है, इस ट्राइंगल में दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री, तो ये 100 हो गया 100, एंड टोटल 180 होता है, तो ये 80 डिग्री हो गया, राइट। देखो इसको मैं थोड़ा प्रोड्यूस कर देता हूं, ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री, इतना एंगल 80 डिग्री है, तो ये छोटा सा एंगल कितना बना बेटा 10 डिग्री, और ये भी 10 डिग्री हो जाएगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम लोग इन सारे एंगल्स को, इंसिडेंट एंगल्स को कैलकुलेट करने में कामयाब हो गए, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिविएशन। आ जाओ जरा इसके लिए, अच्छा डिविएशन भी देख लेते हैं हम लोग, जरा बात करनी है। तो ये इंसिडेंट रे ओरिजिनल आ रही है, अगर ये कुछ नहीं होता तो सीधी चली जाती, अब यहां से ये जा रही है रिफ्लेक्टेड के लिए, तो ये एंगल हो गया तुम्हारा डिविएशन डेल्टा वन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अब आज जरा ये रिफ्लेक्ट होके जो जा रही है, अब ये इंसिडेंट रे का काम करे कुछ नहीं होता तो ये सीधी चली जाती, लेकिन अब कैसे जा रही है, अब ये ऐसे जा रही है रिफ्लेक्ट होके, तो ये टोट यहां से शुरू करेंगे, और दिस इज द टोटल एंगल ऑफ डिविएशन, और एरो मैं इस तरफ लगाऊंगा, राइट। तो दिस इज योर डेल्टा टू, ये कैसा है देखो, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये कैसा है काउंटर क्लॉकवाइज, ये कैसा है क्लॉकवाइज, राइट। आज हो जाए इसमें ये इंसिडेंट रे का काम करेगी, कुछ नहीं होता तो ये सीधी चली जाती, लेकिन अब ये फाइनली ऐसे जा रही है, तो यहां से ले लो, इसमें फॉल करवाओ, तो एरो ऐसे बनेगा, दिस इज योर डेल्टा थ्री। तो ये भी कैसा है क्लॉकवाइज, ये कैसा है क्लॉकवाइज, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो अब हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं, तो डेल्टा वन विल बी इक्वल टू 180 माइनस 2 टाइम्स 50 डिग्री, तो ये हो गया 80 डिग्री, ठीक है। और ये किस दिशा में बेटा, लिख देते हैं हम लोग एंटी एंटी क्लॉकवाइज। डेल्टा टू आ जाओ कैलकुलेट करते हैं, 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स, देखो 20 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो 180 माइनस 40 140, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, और इसका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, राइट। सिमिलरली डेल्टा थ्री 180 माइनस 2 टाइम्स 10 डिग्री, एंड दिस इज नथिंग बट 160 डिग्री, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, ठीक। अब सेट कर दो, खुद ही सेट कर दो, ठीक है, कि हम लोग क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे, खुद ही सेट कर दो, और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। तो देयरफॉर टोटल डिविएशन प्रोड्यूस्ड विल बी सम ऑफ ऑल दिस विद प्रॉपर साइंस, ठीक है, एंटी वाले को नेगेटिव, तो देयरफॉर माइनस 80 प्लस 140 प्लस 160, राइट। सो टोटल डिविएशन विल बी गिवन बाय, दिस विल बी 300 माइनस 80, एंड दिस विल बी इक्वल टू पॉजिटिव 220 डिग्री। दिस इज द टोटल डिविएशन प्रोड्यूस्ड इन द इंसिडेंट रे, क्लियर है। 220 डिग्री एंगल मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव जो है उसकी डायरेक्शन। यहां पे हमने पॉजिटिव किसको लिया बेटा, क्लॉकवाइज सेंस को, ठीक है, पॉजिटिव क्लॉकवाइज सेंस को लिया है, ठीक। अब जरा हम थोड़ा बारीकी से इसको भी चेक कर लेते हैं क्या होता है असल में, ठीक है। तो देखो जरा क्या मतलब है,
कि ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। इसका पूरा अंडरगो करने के बाद, ये थ्री रिफ्लेक्शंस होने के बाद, जो टोटल एंगल ऑफ डिविएशन आया है वो कितना आया है, पॉजिटिव 220, दैट इज क्लॉकवाइज में 220। तो देखो जरा, यहां से हम चालू करेंगे, ठीक है, और 220 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे ओरिजिनल इंसिडेंट रे से। तो देखो बेटा, 180 डिग्री तो ये हो गया, ठीक है, क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। देखो 180 डिग्री तो ये हो गया, 50 का ये एंगल है, तो 40 और चलेंगे हम, 180 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 220, और क्लॉकवाइज में जाना है क्योंकि पॉजिटिव साइन किसका, क्लॉकवाइज का। तो ये डायरेक्शन बेटा जो मिल रही है हमको, ध्यान देना, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो हमको डायरेक्शन मिल रही है, यही वो डायरेक्शन है जिस तरफ फाइनल रे थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद जो निकलेगी वो इससे पैरेलल होगी, इस डायरेक्शन से। देखो हम यहां ऐसे दिखा तो दे रहे हैं, ये हमने अपनी कंस्ट्रक्शन करी हुई है तो थोड़ा इस प्रकार से बना है, लेकिन अगर ठीक ढंग से समझा जाए तो ये रे कुछ ऐसे जा रही होगी, ठीक है ना, ऐसे, इट विल बी गोइंग पैरेलल टू दिस, ऐसे ऐसे जा रही होगी, दोनों पैरेलल होंगी, ठीक है। ये क्योंकि ये डायरेक्शन, ये देखो पूरा ओरिजिनल इंसिडेंट रे से 220 डिग्री डिविएट हुई है, फाइनल जो रे निकल के आई, तो ये ऐसे जाएगी, इस डायरेक्शन से पैरेलल होगी। तो ये हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया इस के बारे में, ज्योमेट्रिकली भी, ठीक है, लॉजिकली क्लियर होनी चाहिए चीज, एंड मैथमेटिकली तो हमने यहां पे कैलकुलेट कर ही लिया। सो ये हमें पूरी जानकारी दे देता है हाउ टू कैलकुलेट डिविएशंस, ठीक है। अलग अलग प्रकार से लिया था, पहले हम लोग इस तरफ ले जा रहे थे लाइट रे को, लेकिन हमने एक कंडीशन ऐसे भी देखी, और पहले गलत को समझा और फिर हम लोगों ने राइट पे आके समझा कि कैसे हो रहा है असल में, ठीक है, क्लियर हुई। नेक्स्ट आता है अगला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब हम उसमें एंटर करने जा रहे हैं, ठीक है, एंड दैट इज द रोटेशन ऑफ ए प्लेन मिरर, रोटेशन ऑफ ए प्लेन मिरर। राइट, अच्छा क्या कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है। तो बड़ा डायग्राम बनाएंगे ताकि एंगल्स को एनालाइज करने में, समझने में आसानी हो आपको, ठीक है। तो देखो, दिस इज द मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक, दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक।